नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि 6 जनवरी को केएमपी ट्रैक्टरों को हाईवे पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा है कि 6 जनवरी को सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अब नए सिरे से धमकी दी है। किसानों ने कहा है कि अगर 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो फिर वो अपने प्रदर्शन को तेज कर देंगे। इसके तहत किसानों ने कहा है कि वो हरियाणा में पेट्रोल पंप और मॉल्स को भी बंद करवा देंगे। देश में महामारी वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि देश भर में सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगह पर आज महामारी वैक्सीन का ड्राई रन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल जाकर वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को विपक्ष के नेताओं ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। किताब के विमोचन के दौरान भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वह देशभक्ति होगा, क्योंकि यही हमारे धर्म के मूल में है और यही हिंदुओं की प्रकृति भी है। भागवत ने आगे कहा था कि चाहे जो भी हो परिस्थितियां, लेकिन कोई भी हो, कोई हिंदू कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। भागवत द्वारा धार्मिक आधार पर देशभक्ति की बात पर ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने लिखा कि वे बापू के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या बोलेंगे, नेली कतलेआम के लिए जिम्मेदार आदमी के बारे में क्या कहेंगे, साल 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के बारे में वो क्या बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना की नई स्ट्रेन को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। यहां संत विहार कॉलोनी में 11 जनवरी तक सील घरों में रहने को लेकर मुनादी कराई गई। बताया गया है कि दूध, सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थ घर पर ही पहुंचेगा। बता दें कि यहां 1-2 साल की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। दिल्ली की लैब से सिर्फ उसी में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर मिशन 2022 के मद्देनजर आगामी पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस अपने संगठन को हर गांव, हर बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की कवायद में जुटने जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यूपी के 1-1 जिले का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही संबंधित पदाधिकारी को संबंधित जिले में 3 जनवरी से 25 जनवरी तक लगातार कैंप कर उस जिले की सभी न्याय पंचायतों में कांग्रेस का एक मजबूत संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल बस स्टैंड पर आज आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ग्रेनेड हमले में 7 नागरिकों को चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सभी घायलों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और हमलावरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में कोरोना के केस दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,54,000 नए मामले दर्ज किए गए और 9,451 संक्रमितों की जान चली गई। संक्रमितों का आंकड़ा दुनिया भर में अब 8,43,00,000 के पार पहुंच गया है। वायरस की चपेट में आकर वहीं दुनिया भर में अब 18,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई के डिंडोशी सिविल कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। 2 साल पुराने मामले में एक तरफ कोर्ट की तरफ से बीएमसी को राहत दी गई, वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत पर नियमों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगा है। ये सारा मामला कंगना के मुंबई वाले घर को लेकर है, जिस पर पिछले 2 साल से काफी विवाद चल रहा है। बीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने फ्लैट में अवैध निर्माण किया है। वहीं कंगना ने कोर्ट में याचिका डालकर उस कार्रवाई पर रोक की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत महामारी को हराने में कामयाब हो गए हैं। सीएम रावत को ठीक होने पर एम्स से डिस्चार्ज कर लिया गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला डैम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।